दिवाली का त्योहार सहित कई त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाए जा रहे हैं और ऐसे में इन त्योहारों को लेकर जो मिठाइयां तैयार होती हैं और जिस तरह की उसमें मिलावट के मामले सामने आते हैं, ऐसे में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग फूड डिपार्टमेंट जो है पूरी तरह सजग है। हरियाणा का खाद्य एवं आपूर्ति विभाग लगातार कई जिलों में अलग अलग जगहों पर ऐसे जो फैक्ट्री है जहां पर मिठाइयां बनती हैं या जो दुकानें हैं जहां पर मिठाइयां मिलती हैं वहां सैंपलिंग कर रही है, औचक निरीक्षण कर रही है, रेड कर रही है और अगर कहीं भी कमी पाई जाती है उसको भारी भरकम जुर्माना भी और कानून में भी जो सजा है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त हम पंचकुला में मौजूद हैं। यहाँ पर आज हमारे साथ पंचकुला डीएफएसओ मौजूद हैं डॉक्टर गौरव शर्मा। गौरव जी, जिस तरीके से आज पंचकुला में भी यहाँ पर आपने औचक निरीक्षण किया है, इस पूरी कार्रवाई के अभियान के बारे में बताएं जो विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में की जा रही है और इस कार्रवाई के तहत अब तक कितनी रेड कंडक्ट की जा चुकी है। मैम, फेस्टिवल सीजन जैसे ही स्टार्ट हुआ था तभी से रेड स्टार्ट हो गई थी और काफ़ी हर रोज ही ऑलमोस्ट रेड की जा रही है। और जैसे कि आज हमने अनुपम स्वीट्स, गोपाल स्वीट्स, नन स्वीट्स, विजय डेयरी और हरियाणा एजेंसीज में अभी हम खड़े ही हैं तो यहाँ रेड करी है और सैंपल्स कलेक्ट कर लिए हैं क्योंकि सील करके हम लैब में आगे फॉरवर्ड कर देंगे उन्हें और वहाँ से रिजल्ट आने के बाद लैब से आगे की कार्रवाई की है। जी, जैसे लैब में आप सैंपलिंग भेजते हैं, इनकी क्या क्या चीज सैंपल लिए जाते हैं मुख्य तौर पर? मैम, अभी तो डेयरी प्रोडक्ट्स और मिठाइयों के सैंपल ले रहे हैं क्योंकि इस टाइम इनमें इनका काम ज़्यादा होता है मिठाइयों का फेस्टिवल सीजन के रिगार्डिंग और इन्हीं में ज़्यादा मिलावट होने की आशंका बन रही है क्योंकि थोक में बनता है, ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में बनता है सारा सामान तो कई लोग हैं जो गलत काम करते हैं तो उनके लिए हमने पूरी टीम हमारी लगी हुई है काम। जी, कई बार मौके पे देखने में आता है कि कई ऐसी मिठाइयाँ या जो उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल है वो काफ़ी सब स्टैंडर्ड है या गंदगी है वहाँ पर या वो पहले ही खराब है, मक्खियाँ भिनक रही हैं, खराब हुआ है तो उसमें किस तरह की कार्रवाई की जाती है? मैम, उसे मौके पर ही नष्ट करवा देते हैं। साथ ही साथ कोई भी खड्डा खोद के उसमें दबवा देंगे या कोई भी नदी नाला हो उसमें गिरवा देंगे। जी, कानून में किस तरह का प्रावधान है जैसे जो आप सैंपलिंग भेजते हैं और जब लैब से वो फेल होते हैं यानी रिपोर्ट जो आती हैं वो इनके खिलाफ आती हैं कि किस तरह से इन्होंने जो अडल्ट्रेशन है उसके अंदर, तो किस तरह की कानून की कार्रवाई होती है? मैम, इसमें होता है मिस ब्रांडिंग है जिस पे की फाइन होता है, सब स्टैंडर्ड है उस पे भी फाइन होता है, अनसेफ में 1 ईयर ट्रीटमेंट प्लस फाइन, दोनों चीज़ें होती हैं। जी, आपके साथ यहाँ पे पूरी टीम, जैसे मैं चाहूँगी मैं सहयोगी दिखाएं कि पूरी टीम मौजूद है यहाँ पर और ये देखिए यहाँ पर सैंपलिंग इस वक्त की जा रही है और उन सैंपल्स को सील भी किया जा रहा है और जो पूरी टीम है डॉक्टर गौरव शर्मा के नेतृत्व में यहाँ पर है। सर, खाद्य विभाग के अलावा और कौन कौन से विभाग आपके साथ रेड में सहयोगी बनते हैं आप, क्योंकि इसमें काफ़ी सुरक्षा का भी कहीं ना कहीं पहलू रहता है? मैम, इसमें कई बार पुलिस डिपार्टमेंट, CM फ्लाइंग, पॉल्यूशन, नाप टोल और स्वास्थ्य विभाग ऑब्वियसली वो तो ये कई रेड्स हम जो कंडक्ट करते हैं पूरी टीम साथ में चलती है। यहाँ भी पूरी टीम आपकी आज मौजूद है? यहाँ पे मैं हूँ, वो भी अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको बुला लेंगे कोई ऐसी, तो यही है मेरी टीम। तो देखिए साफ तौर पर ये हमारे पंजाब केसरी के जितने भी दर्शक हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपील है कि त्योहार के सीजन में मिलावटी जो मिठाई है या खराब मिठाई है उनके सेवन से बचें, अच्छी जगह से मिठाई खरीदें और उसका अगर क्वालिटी खराब है तो वो भी तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग को, खाद्य आपूर्ति विभाग को इसकी शिकायत कर सकते हैं। पंचकुला में भी लगातार विभाग द्वारा सजग रहते हुए, सतर्कता बरतते हुए तमाम ऐसे खाद्यान्न के जो फैक्ट्री आउटलेट्स हैं या फिर उनके जो रेस्टोरेंट आउटलेट हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे जहाँ पे बिकते हैं वहाँ भी सैंपलिंग की जा रही है ताकि लोगों को त्योहारों में मिलावटी और दूषित खाना ना खाना पड़े। पंचकुला से मेरे सहयोगी विजय के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए मैं उमंग शरान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।